दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, इसलिए हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस बार SSC GD में सबसे रेड जोन टॉप 10 में कौन रहने वाला है और कौन है और किसका मेरिट सबसे हाई जाएगा। जैसे कि आप जान लिए होंगे कि जिसका मेरिट मेडिकल के लिए ज़्यादा हाई गया है उसका ही मेन मेरिट में भी ज़्यादा हाई जाएगा, ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और हम आपको ये बताएंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक। ऑल ओवर इंडिया में जनरल डिस्ट्रिक्ट है, किसी किसी स्टेट में बॉर्डर नक्सल नहीं है, तो जनरल डिस्ट्रिक्ट का मेल और फीमेल को बताएंगे। इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि उस टॉप 10 में कौन कौन से स्टेट है, वहाँ के बच्चे कितना माइंडली हैं, कितना पढ़ने में शार्प है उसका माइंड, कि इतना गया है उनका कट ऑफ। तो आइए उस रेड जोन का हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो कि इस बार SSC GD में जो 2018 में फार्म अप्लाई हुआ है, 2020 में मेडिकल जो हुआ है, तो उसका सबसे हाई मेरिट में टॉप 10 में कौन कौन से स्टेट हैं, वो 10 स्टेट का नाम लेते हैं हम आपको, और वहाँ का नंबर भी बताएंगे कि कितना गया है, हाईएस्ट नंबर, केवल हाईएस्ट नंबर हम आपको बताएंगे मेल और फीमेल का, ठीक। और ये जनरल के लिए मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है उसका, चाहे वो किसी कैटेगरी हो, कैटेगरी का बात नहीं कर रहे हैं हम और डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब उसका हाईएस्ट केवल हम नंबर को आंकड़ा किए हैं कौन सा टॉप 10 में गया है, ताकि आप भी देख लें अगर उस स्टेट से है, अगर आप पिछले बार परीक्षा नहीं दें इस बार देना चाहते हैं, तो निश्चित आप एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और उससे अधिक नंबर लाएंगे तब इस बार क्वालिफाई होंगे, जो अभी 2020 में वैकेंसी नहीं आएगी 84,000 का। तो आइए उस स्टेट का बात करते हैं टॉप 10 में। तो देखिए पहला नंबर पे फीमेल कैटेगरी का बात करें तो हरियाणा का फीमेल कैटेगरी का 76 गया था। दूसरा नंबर पे है राजस्थान का फीमेल कैटेगरी गया था 75। उसके बाद से तीसरा नंबर है यूपी का फीमेल कैटेगरी का 71। एमपी जो चौथे नंबर पे है वहाँ का फीमेल का गया था 71। यहाँ का भी यूपी और एमपी का दोनों का सेम गया है। उत्तराखंड जो कि 5वें नंबर पे है इसका गया है 70। दिल्ली का गया है 68 जो कि 6वें नंबर पे है। हिमाचल प्रदेश का गया है 67, ठीक 67 जो कि आपका कितना नंबर पे है, आपका ये 7वें नंबर पे है। बिहार का गया है 63, ठीक। और छत्तीसगढ़ का गया है 57, छत्तीसगढ़ का आपका गया है 57, ठीक। ये है आपका टॉप 10 में ये 10 राज्य जो कि एकदम हाईएस्ट नंबर जाता है। उसके बाद से हम आपको बात करेंगे आगे भी, मेल कैटेगरी में भी गया है हरियाणा का फर्स्ट पे 83, राजस्थान का 83, ठीक। और उसके बाद से यूपी का 79, उसके बाद से बिहार का बात करें तो बिहार का गया है 76, और उसके बाद से एमपी का 75, उत्तराखंड का 74, दिल्ली का 72, हिमाचल प्रदेश का 69, और उसके बाद से नागालैंड का गया है 63.80 मतलब कि 64, और छत्तीसगढ़ का 53। ये टॉप 10 राज्य हैं जो कि रेड जोन में आते हैं, सबसे अधिक मेरिट गया है। नागालैंड का अगर बात करें तो इस बार बहुत ज़्यादा मेरिट गया है, नहीं तो पिछले बार तो 44 पे ही ज्वाइनिंग हो गया था। तो हम आपको ऑल ओवर फिर से बात करा देते हैं कि 10 उस जोन का नाम जिसका हाई मेरिट गया है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य है नागालैंड जिसका हाई मेरिट गया है। और सबसे हाई मेरिट का अगर बात करें 3 नंबर तक, तो देखिए हरियाणा, राजस्थान और यूपी, इन तीनों राज्य में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें फीमेल का कैटेगरी का सबसे हाई गया है। और मेल में अगर बात करें 3 नंबर तक, तो हरियाणा, राजस्थान और बिहार में इसका सबसे हाई गया है। दोस्तों तो ये वीडियो हम बनाने का यही मकसद था कि आपको बता दें कि इस बार SSC GD में टॉप 10 में कौन कौन से राज्य हैं। तो यह है, फिर से रिपीट कर देते हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, MP जो मध्य प्रदेश कहलाता है, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागालैंड, ये 10 राज्य हैं रेड जोन में। अगर आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं, इस राज्य से फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और क्वालिफाई है
और उसके बाद से बेस्ट ऑफ लक सभी लोग के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ये जानकारी अपने दोस्तों को भी दे, शेयर करें ताकि उनका भी फायदा पहुंच सके, उनका भी प्रॉफिट हो। ठीक दोस्तों, और ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन